नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ के अगले भाग में। और इसमें अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस का एक पहला भाग किया है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस और कुछ अभ्यास प्रश्न सॉल्व किए हैं। उनमें पहले भाग में जो पांचवा क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने गलती से क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य लिख दिया था जल्दी जल्दी में, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। ये कुल लाभ 4000 × 100 बटे क्रय मूल्य 12000, तो इसका आंसर आएगा 33 / 1/3। ये वाला क्वेश्चन है, एक व्यापारी मोटरसाइकिल वाला, पांचवा क्वेश्चन है पहले पार्ट का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट। तो मेरी कोशिश यही रहती है, कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन में कभी कभी लिखने में जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, इस वजह से उसको आप करेक्ट कर लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक साइकिल 1500 रुपये में खरीदी। उसने साइकिल के मेंटेनेंस में क्रय मूल्य का 20% खर्च किया। अब उसे 10% का लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो अब इसमें हम लोग देखते हैं, क्रय मूल्य था यानी खरीदी साइकिल 1500 रुपये में, और उस पर अतिरिक्त खर्च 1500 का 20%, तो 1500 का 20% हम लोग निकाल लेंगे, ये आएगा 300 रुपये। तो अब उसे साइकिल पड़ी कितने की, 1500 रुपये की खरीदी थी, 300 रुपये और उस पर लगाए, तो टोटल साइकिल अब उसको पड़ी है 1800 रुपये की, यानी जो नया क्रय मूल्य हो जाएगा वो 1800 रुपये हो जाएगा। यदि उसे वह 10% लाभ पर बेचना चाहता है या उसको 10% लाभ चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग जो नया क्रय मूल्य है उसका 10% देख लेंगे कि 1800 को, तो 1800 की उसको साइकिल पड़ी ही है, अब उसे अगर 10% का लाभ कमाना है तो इसका 10% पहले हम पता करेंगे, तो 10% होगा 180 रुपये। इसी 1800 रुपये में हम इसको 180 को जोड़ देंगे, यानी साइकिल अगर वो 1980 रुपये में बेचेगा तब उसे 10% का लाभ होगा, यानी 180 रुपये का उसको लाभ होगा। तो इस तरह से इसको करेंगे, तो स्टेप बाय हम स्टेप चल रहे हैं, एकदम आसान तरीके से प्रॉफिट लॉस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। क्वेश्चन थोड़े थोड़े ही करवाऊंगा, लेकिन पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये है तथा उपरिव्यय, यहाँ पे ये इससे मतलब है क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80 रुपये है तथा उपरिव्यय, उपरिव्यय का मतलब है अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त व्यय 20 रुपये है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य है 80 रुपये की चीज है और 20 रुपये उस पर अतिरिक्त खर्च किए गए हैं, तो टोटल ये वस्तु पड़ेगी आपको, जो नया क्रय मूल्य आएगा 100 रुपये की वस्तु आपको पड़ेगी। तो 100 रुपये की वस्तु को विक्रय मूल्य 120 है, यानी 100 रुपये की वस्तु को आप जब 120 रुपये में बेचेंगे तो कुल लाभ क्या होगा? लाभ का फॉर्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 120 - 100 = 20 रुपये। इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, आपको यहां से ही दिख रहा होगा कि 100 की चीज अगर 120 में बेचेंगे तो लाभ होगा 20 रुपए का। अब लाभ प्रतिशत आपको बताना है, तो कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, कुल लाभ हुआ है 20 रुपए का गुणे 100 और क्रय मूल्य है 100 रुपये, यानी 20% का लाभ हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति ने एक मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये व्यय किए तथा अब उसने मशीन को 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो डिफिकल्टी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, क्वेश्चंस थोड़े से अलग आपको मिलते जाएंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सारे सवाल आपको समझ में आएंगे। तो एक व्यक्ति ने मशीन खरीदी है 1200 रुपये की और उसकी मरम्मत पर खर्च किया है 200 रुपये, यानी उसको टोटल कितने की मशीन पड़ेगी? 1200 + 200 = 1400 रुपये की विक्रय मूल्य, नवीन क्रय मूल्य यानी नया क्रय मूल्य है 1400 रुपये, अर्थात इसको इसने खरीदा है 1400 रुपये में और विक्रय मूल्य यानी बेचा है 1680 रुपये में,
तो लाभ कितने का दिखाई पड़ रहा है? सीधे सीधे 280 रुपए का। तो यहाँ से आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1680 माइनस 1400 यानी 280 रुपए। अब आपको अगर प्रतिशत में लाभ चाहिए तो लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, जो लाभ और हानि होती है हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, इसलिए बटे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तो कुल लाभ है 280 रुपए का गुणे 100 बटे 1400 रुपए यानी 20%। तो कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग करेक्ट कर लेना, कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट गड़बड़ ना हो तो सवाल ऐसे भी आपका लग जाएगा। एक रेडियो 990 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो उस रेडियो पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती? अब 990 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, यानी जब आपको इस तरह के सवाल मिले, अभी तक तो रुपए में आपको लाभ दिया बताया जाता था, लेकिन अब परसेंट में बताया जा रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर इतने परसेंट का लाभ होता है। तो अगर परसेंट में बताया जाए तो हम लोग क्रय मूल्य को 100% मान के, तब उसको बेस मान के इसको हम करेंगे। अब यहाँ पे 10% का लाभ हुआ है 990 रुपए में बेचने पर, यानी 100% कोई चीज थी उस पर 10% का लाभ हुआ है, तो अब ये जो चीज है ये हो गई है 110%। ऐसे रुपए में तो ये 990 रुपए है, लेकिन 10% का प्रॉफिट अगर इसमें जुड़ा है तो ये 110% की वैल्यू है। अर्थात यहाँ पे 990 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, 110%, 10% इसमें जुड़ा है, तो ये हो गया 100 प्लस 10%, 110% की वैल्यू हो गई 990। यानी परसेंट में कहा जाए तो 110% है और रुपए में बताया गया है कि 990 है। तो यहां से अगर हम 1% निकालें तो 990 बटे 110 हो जाएगा, यही ये बटे में चला आएगा। और 100% निकालेंगे तो 990 बटे 110 और गुणे 100%। तो ये जो 900 आया है ये आपका क्रय मूल्य है, 100% का मतलब है कि ये क्रय मूल्य आपका निकल के आया है 900 रुपए। अब 900 रुपए की, यानी आपने सामान खरीदी थी, 900 रुपए का सामान है, वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया 900 रुपए, विक्रय मूल्य है 890 रुपए, यानी बेचा है आपने उसको 890 रुपए में। तो कहा जा रहा है यदि उसे 890 रुपए में बेचा जाता तो उस रेडियो पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ देख के आप पता लगा सकते हैं कि 900 रुपए की चीज अगर 890 में बेची जाएगी तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर हो रही है हानि, 900 का खरीदा 890 में बेचा, 10 रुपए की हानि। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है? अब इस क्वेश्चन को समझना है, आसान है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। तो 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसी तरह से समझेंगे कि अब इसी में इतने में बेचने पर इसको 25% का लाभ हुआ है, यानी जो भी वैल्यू रही होगी 100% रही होगी और इसने बेचा तो 25% का लाभ हुआ है। अर्थात इसी 20,000 में 25% अगर जुड़ा है तो ये जो 20,000 है ये वैल्यू हो गई 125% की। अब 100 अगर परसेंट में बोला जाए तो 125%, और अगर रुपए में है तो ये 20,000 बताया गया कि 20,000 में बेचने पर 25% का फायदा इसको हुआ है। तो 125% बराबर 20,000, 1% बराबर 20,000 बटे 125, 100% तो 20,000 बटे 125 गुणे 100, यानी यहाँ से आ जाएगा 16,000। अर्थात क्रय मूल्य क्या था? 16,000। ठीक, अब 16,000 का उसने खरीदा था। अब कहा जा रहा है कि अगर इसको 40% पे लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? तो 16,000 का घोड़ा इसको 40% लाभ पर बेचना है, तो 16,000 का 40% निकालेंगे हम लोग, 6,400 रुपए।
यानी हमें 6400 रुपए का फायदा चाहिए। 16,000 का घोड़ा है और 6400 रुपए का फायदा चाहिए, तो इसी 16,000 में हम 6400 जोड़ देंगे, अर्थात घोड़े को हमें बेचना पड़ेगा 22,400 रुपए का। इसका शॉर्टकट है, दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालना हो, यानी जैसे इसमें इस क्वेश्चन में दिया है कि अगर 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, इस टाइप का अगर दूसरी बार विक्रय मूल्य आपको निकालना है, एक बार विक्रय मूल्य दिया गया है, जैसे बोला गया था 20,000 में बेचने पर, तो ये दूसरी बार का इसमें निकालना है, पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100। अगर दूसरा परसेंटेज लाभ हो रहा है, दूसरा प्रतिशत जो दिया है, तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे दूसरा परसेंटेज और 100 प्लस माइनस पहला परसेंटेज, यानी अगर लाभ हो रहा है तो जोड़ देंगे और हानि हो रहा है तो घटा देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में ये पहला परसेंटेज दिया है तो 25% का लाभ, यानी पहले परसेंटेज को जोड़ना है, और ये दूसरा परसेंटेज है तो इसमें भी लाभ हो रहा है तो इसको भी जोड़ देना है शॉर्टकट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहली बार का विक्रय मूल्य यानी 20,000 में घोड़ा बेचा गया था गुणे 100 प्लस दूसरा परसेंटेज, दूसरा परसेंटेज ये है 40% लाभ पर बेचा जाता, पहला परसेंटेज 25% है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको दूसरे परसेंटेज को इसमें जोड़ दिया क्योंकि लाभ था। 100 प्लस पहला परसेंटेज, यहाँ पे पहला परसेंटेज देखिए 25% का लाभ, तो यहाँ पे लाभ है तो 25 इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 20,000 गुणे 140 बटे 125, सॉल्व करने पर आ जाएगा 22,400। तो ये है शॉर्टकट इसका। नेक्स्ट है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% की हानि होती, यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपए है। तो देखिए यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य आपको 1200 दिया गया है, 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंटेज, तो यहाँ पे ये आपकी पहली लाइन थी, पहला विक्रय मूल्य था जो बाद में दिया गया है, तो दूसरा यहाँ पे दूसरा परसेंटेज है 19% की हानि, तो यहाँ पे -19 कर देंगे बटे 100 प्लस माइनस पहला परसेंटेज, तो पहला परसेंटेज ये है 10% की हानि, तो 10% हानि है तो ये भी घटाएंगे हम लोग, 1200 गुणे 81 यहाँ पे बचेगा बटे 90 सॉल्व करेंगे तो 1080 रुपये आएगा। तो यहाँ पे ये जो लास्ट में लाइन जुड़ी हुई है, आपको लग रहा होगा कि ये पहला परसेंटेज है या दूसरा परसेंटेज, तो यहाँ पे ये पहला परसेंटेज है ये दूसरा परसेंटेज, केवल यहाँ पे पहला विक्रय मूल्य जो है वो बाद में आपको बताया गया लास्ट के लाइन में, तो ये चीज ध्यान रखना, बाकी शॉर्टकट वही रहेगा, पहला विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस पहला परसेंटेज। ये अभ्यास के लिए 2 प्रश्न हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपए है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत कीमत क्या थी, 1850 रुपए आंसर है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा, तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था, तो इसका आंसर 720 आएगा, लगाने की कोशिश करना, और नहीं लगेंगे तो कमेंट में आप बताना, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इसी के डिस्कस करेंगे प्रॉफिट लॉस के, ऐसे ही हम लोग थोड़े थोड़े करके पूरे चैप्टर को समझेंगे, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस भाग में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।